हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको एसएसटी की वर्कशीट नंबर 75 करवा रहा हूँ। ये 28 जनवरी की है, क्लास 9 की है, और इसमें जो आपकी पॉलिटिकल की बुक है लोकतांत्रिक की, उसमें जो आपका चैप्टर है चुनावी राजनीति, उसी से रिलेटेड हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मतदाता सूची के बारे में बता रखा कि मतदाता सूची होती क्या है। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिक बिना किसी भेदभाव के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। ठीक है, हमारे देश में कोई चाहे कोई भी किसी भी धर्म जाति भाषा का क्यों ना हो, वो वोट डाल सकता है, यानी कि मत दे सकता है। मत को वोट कहते हैं। ठीक है, तो मतदान के योग्य लोगों की सूची चुनाव से काफ़ी पहले तैयार की जाती है। इस सूची को आमतौर पर मतदाता सूची के रूप में जाना जाता है। आप देख सकते हैं, ठीक है, ये मतदाता सूची है। आपने भी देखा होगा, आपके घर में आई होगी। ठीक है, या आपके पेरेंट्स जाते होंगे तो वहाँ पर सर्च करते होंगे अपना नेम। ठीक है, अब आज ये चुनाव अभियान क्या है, कौन बेहतर प्रतिनिधि है, कौन सी पार्टी बेहतर सरकार बनाएगी, या क्या अच्छी नीति है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा करना आवश्यक है। भाई बहुत सारी पार्टी खड़ी हो रही हैं, तो उन्हें बताना भी तो पड़ेगा, हम जीतेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारी पॉलिसी क्या है। तो चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा ही होता है। हमारे देश में इस तरह के अभियान उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा और मतदान की तारीख के बीच 2 सप्ताह की अवधि के लिए होते हैं। ठीक है, अभियान उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा और मतदान की तारीख के भी 2 हफ्तों की अवधि होती है। ठीक है, इसमें आप अपने विचार जनता तक पहुँचाएंगे कि हमारी पार्टी अगर बनेगी तो हम क्या क्या करेंगे। हमारे चुनाव कानून के अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार मतदाताओं को रिश्वत या धमकी, उनसे जाति या धर्म के नाम पर अपील, चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग और लोकसभा चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख रुपए से अधिक या विधानसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 10 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकता। ठीक है, हमारे देश में सभी राजनीतिक दल चुनाव अभियानों के लिए आदर्श आचार संहिता पर सहमत हो गए हैं। आचार संहिता मतलब होता है जब चुनाव होगा ना तो किन किन नियमों का पालन करना है, वो सब पहले से तय है, उनको मानना पड़ेगा। इसके अनुसार कोई भी दल या उम्मीदवार किसी भी पूजा स्थल का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मतलब किसी पूजा स्थल पर गया और बोला कि मुझे वोट दे दीजिए, ऐसा नहीं करेगा वो। और चुनाव के लिए सरकारी वाहनों, हवाई जहाज़ों और अधिकारियों का प्रयोग, और एक बार चुनावों की घोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी भी परियोजना की आधारशिला, कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते। मतलब कोई भी परियोजना नहीं लागू कर सकते कि देखो हम ये योजना बना रहे हैं, इससे जनता प्रभावित हो सकती है ना, या सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने का कोई वादा नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने का प्रॉमिस नहीं कर सकते। मतदान और मतगणना क्या है, चुनाव का अंतिम चरण वह दिन होता है, अंतिम चरण, जब मतदाता अपना वोट डालते हैं या मतदान करते हैं, उस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहा जाता है। जिस दिन वोट डालेंगे ना उसे चुनाव का दिन कहते हैं। आजकल वोट रिकॉर्ड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव के दिन और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र पर बैठने की अनुमति दी जाती है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि चुनाव और मतगणना ठीक से हो। मतलब जो जो पार्टी के बंदे हैं ना एजेंट, वो बैठ सकते हैं वहाँ पर, ताकि देखें कि कोई घपलेबाजी तो नहीं हो रही, अगर उन्हें लगता है तो वो अपील कर सकते हैं। ठीक है, एक निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाता है। मतलब कहने का ये कि जैसे एक क्षेत्र है और एक को मिली मान लो 100 वोट, एक को मिले 90, एक को मिले 70, एक को मिले 102, तो ये 102 वाला जीत जाएगा। जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उस उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इन क्वेश्चन के आंसर समझते हैं और देखते हैं। बच्चों फटाफट क्वेश्चन के आंसर पढ़ते हैं। मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं,
मतदाता सूची उस सूची को कहते हैं जिसमें मतदान करने के योग्य व्यक्तियों के नाम होते हैं। ठीक है, भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, यानी कि 18 साल का कोई व्यक्ति हो जाता है तो वो वोट डाल सकता है, लेकिन भारत का नागरिक होना चाहिए। अतः मतदाता सूची में उन व्यक्तियों के नाम होते हैं जो मतदान के योग्य अर्थात 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की योग्यता क्या होनी चाहिए। जैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो आपके अनुसार उसमें क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, बताइए क्या क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए। हमारे अनुसार चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की कुछ योग्यता निर्धारित होनी चाहिए, इनमें से कुछ इस प्रकार है। बच्चों आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कुछ भी। किसी भी चुनाव में उम्मीदवार के लिए न्यूनतम शैक्षिक आवश्यकता निर्धारित की जानी चाहिए, मतलब एजुकेशन पक्का कर देना चाहिए कि भाई अगर इतनी पढ़ाई उसने नहीं करी तो मतलब वो चुनाव में खड़ा ही ना हो पाए, इससे बढ़िया हो जाएगा ना। और चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए यह भी तय होना चाहिए कि किसी पर यदि कोई आपराधिक मुकदमा है तो वह चुनाव ना लड़ सके। लेकिन आज भी देखो बहुत से अपराधी होते हैं फिर भी वो चुनाव लड़ते हैं, हाँ है ना। और तीसरा, चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को जनता के बीच जाकर उनकी सेवा करने का भी अनुभव होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी तो जनता के लिए काम सही से कर पाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आदर्श आचार संहिता क्या है। आदर्श आचार संहिता, इसके अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी किसी भी पूजा स्थल का चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। ठीक है, चुनाव के लिए सरकारी वाहनों हवाई जहाज़ों अधिकारियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यह आप पॉइंटों में लिख देना, एक पॉइंट हो गया, ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया ऐसे। यदि एक बार चुनावों की घोषणा हो गई तो कोई भी मंत्री किसी भी नई परियोजना की आधारशिला या कोई नया नीतिगत बड़ा निर्णय नहीं ले सकता। ठीक है, पॉइंट्स में करते जाना। ठीक है, और चौथे में लिख देना, चुनाव की घोषणा के बाद सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने का कोई वादा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यह होती है आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता। ठीक है, तो ये थर्ड हो गया, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी एक क्वेश्चन रह गया, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ज़रूर सपोर्ट किया कीजिए। मतदान और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंट क्यों मौजूद रहते हैं, बताइए। जिस दिन वोट होता है ना तो अलग अलग पार्टीज़ के भी वहाँ पर एजेंट होते हैं, क्यों। मतदान और मतगणना के दिन सभी उम्मीदवारों के एजेंट इसलिए उपस्थित रहते हैं जिससे कि वे लोग मतदान को स्वयं से देख सकें और उसका परीक्षण कर सकें तथा जब मतगणना हो तब वहीं अभी देख सकें कि किसी प्रकार का कोई पक्षपात तो नहीं किया जा रहा और सब कुछ पारदर्शिता के साथ संपन्न किया जा रहा है। इसलिए मतलब हर प्रकार की ट्रांसपेरेंसी या किसी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई धांधलेबाजी, कुछ ऐसा गलत काम तो नहीं हो रहा जिससे कि कोई गलत व्यक्ति जीत जाए, वोट किसी और को मिले और जीत कोई और जाए। तो इस प्रकार से भी एजेंटों को रखा जाता है ताकि सही से वोट डालें। तो बच्चों इतना बहुत है आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।